नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे चाचा भतीजा और दहकता दानव। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 17 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। कहिए मेरे आका, कैसे याद किया मुझे? जिन, क्या तुम्हें पता चला कि वो अग्निमानव कौन है और पृथ्वी पर इस तरह हंगामा क्यों मचा रहा है? मैंने अपने देवता होंगहू का आवाहन किया तो उसने मुझे बड़ी विचित्र जानकारी दी। यहां से हजारों मील दूर एक ग्रह है, क्रिप्टन। उस ग्रह का शासक दुष्ट संभासी है। संभासी जादुई शक्तियों के साथ साथ वैज्ञानिक शक्तियों में भी निपुण है। उसकी इच्छा पूरे ब्रह्मांड पर राज्य करने की है। उसने जब पृथ्वी पर अपनी दृष्टि घुमाई तब उसे पृथ्वी पर फुटबॉल खिलाड़ी हेमराज दिखाई दिया। उसने उस पर अपनी वैज्ञानिक किरणें छोड़ी और उसे आग का जलता हुआ पेंट बना दिया। यही ना, आप बिल्कुल ठीक समझे चाचा जी। हो ना हो, ये आपके मित्र सेठ राम प्रसाद का बेटा हो। आप दोनों की बात सही है। जिस बात को मैं ना कह पा रहा था आप लोगों ने कह दी। और फिर चाचा भतीजा सेठ राम प्रसाद से मिलने उसके घर गए। सेठ जी, आपके लड़के को हमने ढूंढ निकाला है। सच? कहाँ है वो? उसकी माँ तो उसके गम में पागल सी हो गई है। लेकिन अफसोस सेठ जी, वो अपने पहले वाले रूप में नहीं है। उसकी हालत बड़ी अजीब है, हम आपको कैसे बताएं? आप बेझिझक होकर बताइए, मैं सुनने को तैयार हूँ। मेरे बेटे को क्या हुआ है, किस हालत में है वो? सेठ जी, आपका बेटा हेमराज किन्हीं कारणों से आग का गोला बन गया है। उसी ने सारे शहर में तहलका मचा रखा है। क्या कह रहे हैं आप, हेमराज और आग का गोला? ये कैसे हो सकता है? लगता है किसी जादूगर ने किया है ये सब। हाँ सेठ जी, और जैसे जैसे सूरज की किरणें उस पर पड़ती है वो और ज्यादा धधक उठता है। अपने मित्र से मिलने के बाद चाचा भतीजा उस अग्निमानव को पकड़ने की योजना बनाने लगे। जिन, उस लड़के को ढूंढो, जरूर वो इस समय भी कहीं ना कहीं छिपा होगा, वरना उसके कारण ना जाने कैसी तबाही आए। चाचा जी, मैं नकली बादल बनाकर उसे पकड़ता हूँ। कुछ ही देर बाद पूरे शहर पर अंधकार छा गया। लोग हैरान परेशान हो उठे। मैंने आज के अखबार में मौसम विभाग वाला कॉलम पढ़ा था, उसमें तो कहीं भी ये नहीं लिखा था कि आज बारिश होगी। कमाल है, पूरे नगर पर अंधकार छा गया। पता नहीं क्या माजरा है, ऐसा अंधकार पहले कभी नहीं देखा। कहीं ये सब खाड़ी युद्ध के कारण तो नहीं? इराक में भी काली बारिश हुई, कहीं उसके प्रभाव के कारण ही तो ऐसा नहीं है? ना जाने क्या क्यामत आएगी। हे प्रभु रक्षा करना, विनाश के दिन आ गए। लेकिन शहर के लोग नहीं जानते थे कि ऊपर आसमान में क्या हो रहा था। मैंने हेमराज की शक्ति को कम करने के लिए आसमान में काले बादल पैदा कर दिए, जिससे सूरज छिप जाए और हेमराज को उसकी किरणों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा ना मिले। जिन ने बादलों के बीच में से हेमराज को पकड़कर बोरे में कैद कर लिया। जब यह दोबारा ऊर्जा प्राप्त कर कुछ शक्तिशाली हो जाएगा तब मैं उससे मुकाबला करूंगा। इसे मैं थका दूंगा, पहले तो मैं इसे आसमान में घुमाकर इसकी सारी ऊर्जा समाप्त करूंगा। इसने भी मेरी काफी ऊर्जा निचोड़ ली थी। जेन नहीं जानता था कि अग्निमानव फिर से सक्रिय हो उठा है। अगर इस बार मेरा उससे मुकाबला होगा तो शायद मैं नष्ट हो जाऊं, वो मुझे खत्म कर सकता है। अभी सानो जीन अपनी विचारधारा से उभरा भी नहीं था कि अग्निमानव प्रकट हो गया और जीन के पीछे पड़ गया। अगले ही पल लेकिन जीन अभी भी उसकी पहुंच से बाहर था। अब वक्त आ गया है जब मैं अपने आप को उसके हवाले कर दूं। पर ओह, लगता है मेरा अंत आ गया। इसकी गर्मी मुझे झुलसाए दे रही है, मैं नष्ट होने वाला हूं। हे प्रभु, आज मेरा अंत आ गया।
फिर देखते ही देखते हेमराज अपने असली रूप में आ गया। मैंने अपने प्रतिरूप को अग्निमानों से भिड़ने का मौका दिया। अब उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई। बचाओ, मैं जमीन पर गिर जाऊंगा। मैं यहां कैसे आया? चिंता मत करो हेमराज, मैं तुम्हें सुरक्षित जमीन पर यानी पृथ्वी पर उतार ले जाऊंगा। तुम तो चाचा भतीजा के जिन सानू हो ना? हाँ, अब तुम मुझे सारी बात बताओ कि क्या हुआ था। एक सुबह जब मैं जॉगिंग करने घर से निकला तो अचानक ही आसमान से एक किरणों का स्रोत फूट निकला और मुझ पर पड़ने लगा। देखते ही देखते मैं आग के गोले में बदल गया और तब से ही इस आग के गोले के रूप में पृथ्वी पर घूमता फिर रहा हूं। आज जब मैं तुम्हारे नकली रूप से टकराया तो मेरी सारी शक्ति चूर हो गई और मैं फिर से अपने असली रूप में आ गया। तुम्हारे ऊपर ये सब क्रिप्टन ग्रह के वैज्ञानिक जादूगर संभासी ने किया था। वो तुम्हें मोहरा बनाकर पृथ्वी पर हंगामा मचाना चाहता था। इसके बाद चाचा भतीजा हेमराज को लेकर उसके पिता सेठ राम प्रसाद के घर पहुंचे। तुम्हारी गुत्थी तो सुलझ गई हेमराज, अब हमें एक और व्यक्ति के पास जाना है, उसकी गुत्थी भी सुलझानी है। और फिर जल्दी चाचा भतीजा श्यामू के घर जा पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कौन है? किससे मिलना है? हम हैं चाचा भतीजा, श्यामू ने हमें अपनी परेशानी के बारे में बताया था। श्यामू घर पर नहीं है, वो मुझे बिना बताए कहीं चला गया है। कहिए आपको क्या कहना है उसके बारे में? उसने भतीजे से कहा था कि उसे एक बहुत बड़ी परेशानी है जिसे हल करना है। हाँ, बहुत बड़ी परेशानी है। मैं पहले अच्छी खासी जवान थी, लेकिन जब से मेरा भतीजा श्यामू एक शापित मोती लाया है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। आप हमें सारी बात बताइए जिससे हम कोई निष्कर्ष निकाल सकें। कृपया कोई बात छुपाए नहीं जिससे हम आपकी मदद कर सकें। मेरा भतीजा एक मेले में से एक जादूगर बुढ़िया का मोती उठा लाया। वो मोती मुझे उतना खूबसूरत लगा कि उसे मैंने अपने पास रख लिया, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि वो मोती शापित है। उसे अपने पास रखते ही मैं बूढ़ी हो गई। हे भगवान, ये क्या? ये मोती शापित है, इसे रखने वाला व्यक्ति धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। इस मोती का सांप मेरे साथ सारी जिंदगी रहता, लेकिन जैसे ही ये मेरे पास से गया, अब इसका सांप तुम्हारे ऊपर चढ़ गया है। अब मैं पहले की तरह जवान हो जाऊंगी और तुम मेरी जगह बूढ़ी हो जाओगी। इस सांप से तुम्हें तभी मुक्ति मिलेगी जब तुम पवित्र जल से स्नान करोगी। उसने मुझे बताया कि पवित्र जल एक दुष्ट राक्षस के पेट के अंदर पड़ी सुराही के अंदर है। उस राक्षस को मारकर ही उस सुराही को प्राप्त किया जा सकता है। 7 समुद्रों के पार काली पहाड़ियों पर नीला जलाशय है। उसके अंदर रहने वाले राक्षस नीलमणि के पेट के अंदर वो सुराही है। उस जल के छिड़कने पर ही मैं जवान हो सकती हूँ। ठीक है, हम तुम्हारे लिए जल लाएंगे जिससे तुम फिर से असली हालत में आ सको। चाचा भतीजा जिन पर बैठकर चल पड़े। चाचा जी, हम काली पहाड़ियों पर पहुंच गए, अब मैं आपको नीचे उतार देता हूँ। आगे जाने पर आपको नीला जलाशय मिलेगा, आपको उसके अंदर वो राक्षस मिलेगा, उसे मारने पर ही तुम्हें वो सुराही मिलेगी। ठीक है जिन, अब हम नीला जलाशय तलाश करेंगे। और फिर जल्द ही नीले जलाशय पर, इस जलाशय में वो राक्षस नील बनी रहता है। तभी लगता है तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। क्यों, यहाँ मरने चले आए? हम यहाँ मरने आए हैं या तुम्हें मारने, इस बात का फैसला तो शीघ्र ही हो जाएगा। मुझे पता है तुम पवित्र जल लेने आए हो, लेकिन उसे प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होगा। तुम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अगर ये बात है तो फिर करो हम पर हमला, हम खड़े हैं तुम्हारे सामने। ये बात है तो लो, फिर भुगतो, मेरी आग में भून जाओगे तुम लोग। चाचा जी, जल्दी से जीन को बुलाइए, जान बचाकर भागो। चाचा जी ने एक तरफ कूद कर अपनी जान बचाई और चिराग को घिसा। जल्दी जीन उस पर कूद पड़ा। अभी बताता हूं तुझे, बहुत उछल कूद मचा रहा है तू। तू क्या लड़ेगा मुझसे, मेरे एक ही फुंकार में जल जाएगा। अभी देखते हैं कौन जलेगा और कौन मरेगा। तभी जीन ने उसके सींग पर जोरदार लात मारी और सींग टूट गया। खटाक, जैसे ही सांप का एक सींग टूटा वो एकदम गायब हो गया। फटाक,
चाचा जी, नीले जलाशय का रक्षक सांप तो गायब हो गया, अब उस राक्षस को प्रकट हो जाना चाहिए। हाँ, देखते हैं वो अभी प्रकट हो जाएगा। अभी वे लोग बात कर ही रहे थे कि नीला राक्षस प्रकट हो गया। लगता है तुम लोगों के मौत तुम्हें यहां खींच लाई है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिन, इसे सबक तो सिखाओ, ये बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहा है। अभी लो चाचा जी, मरने के लिए तैयार हो जाओ नीले दानव। तो मुझसे लड़ेगा, लगता है तेरी मौत आई है। अभी तो तेरे रक्षक को ही मारा है, अब तेरा भी अंत आ गया। ये ले मोटे पिलपिले, मजा चख नीले दैत्य के घूसों का। मुझसे जीत पाना आसान नहीं। इसे मारने के लिए मुझे महाकाल की तिलस्मी तलवार चाहिए, उसी से इसका अंत होगा। जिन ने मंत्र पढ़ा और हवा में हाथ उठाया। हाथ उठाते उसके हाथ में तलवार आ गई। अब देखता हूं तुझे, तू कैसे मुकाबला करता है मेरा। पर तभी नीले दानों ने भी मंत्र पढ़कर कांटों वाला एक मगदर पैदा कर लिया। मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा, देखें कौन किसके टुकड़े करता है। तड़ाक! ओह नहीं! नीला दानव पूरे गुस्से से सानो जेन की तरफ लपका। ले, ये आई तेरी मौत, आजा, मैं भी तैयार हूं। और मैं भी ना कितने का, मेरे हाथों से आज तक ना जाने कितने आदमी मर चुके हैं, और मैं भी ना कितने को अक्ल सिखा चुका हूं। तभी जिन ने तलवार से उसका कांटे वाला मुगदर काट दिया। कड़ाक! और फिर फिर जैसे उस नीले दानों का अंत हुआ, चाचा जी, पवित्र जल का कलश ऊपर आ रहा है। अब उस महिला को हम फिर से जवान बना सकेंगे। चलो, अब दूसरी समस्या भी हल हो जाएगी। जिन, सीधे उस महिला के घर चलो। चाचा भतीजा श्यामू के घर पहुंचे और उन्होंने श्यामू की चाची पर पवित्र जल छिड़का। अब तुम पहले की तरह जवान हो जाओगी, तुम सांप से मुक्त हो गई हो, अब तुम पहले की तरह जवान हो गई। ये सब आपकी मेहरबानी है, और वो सापित मोती भी गायब हो गया। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसे शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।